हे गाइस, तो इस वीडियो में हम थोड़ा समझेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं और उनको याद कैसे रखेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो जेड होता है, ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। और नीचे होगा, ऊपर जो होता है वो होता है हमारा मास नंबर, उसको ए से डिनोट करते हैं। अभी याद कैसे रखना है, तो आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स में क्या आ रहा है, टी। तो टी से आपको क्या याद आ रहा है, एटोमिक। टी से आपको याद आ रहा है एटोमिक नंबर, तो इसमें हमारा एटोमिक नंबर सेम होते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर हो गया वो मास नंबर, वो हमारे डिफरेंट होते हैं। देन आता है आइसो बार्स। तो बार कहाँ होता है, हमेशा हम लगाते थे ए बार बी बार, ऊपर होता है ना, तो ऊपर मतलब ए अपना हमारा क्या है, मास नंबर। तो इसमें मास नंबर सेम होता है, तो बाकी जो बच गया एटॉमिक नंबर वो होता है हमारा डिफरेंट, ठीक है। आइसोटोन्स थर्ड होता है, इसमें आता है आइसोटोन्स, एन का साउंड आ रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, और न्यूट्रॉन क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। ए माइनस जेड जो होता है हमारा, ये होता है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब ये आप तीनों को समझ आ गया होगा, ये पेपरों में पूछे जाते हैं बार बार कि आइसोटोप्स में सेम क्या होता है, सेम नंबर क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम मास नंबर होता है।